अस्सलाम वालेकुम, मैं तदबीर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पे शामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज हम रिव्यू लेके हैं सैमसंग की 14 स्मार्ट एलईडी का, जो कि 100% ओरिजिनल सैमसंग की कंपनी की तरफ से जो है ओरिजिनल एलसीडी जो आती है वो ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है। तो आज हम इस चीज़ का रिव्यू देंगे। इस वीडियो को हमेशा की तरह स्पॉन्सर किया फोरम इलेक्ट्रॉनिक्स की फैमिली ब्रांच। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और वीडियो शो करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं या तो जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स। यहाँ पर सबसे टॉप पे आपको ये सैमसंग लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। फुल HD टीवी 40 इंच की जो है ये LED है और सीरीज जो है इसकी 5 सीरीज में से है। मॉडल N5300 इसका मॉडल है। डायग्राम देखने को मिल जाती है सैमसंग का जो है लोगो नीचे, और जिस तरह की LED की जो अंदर से निकलेगी वो मिल जाएगा। और अल्ट्रा क्लीन ब्लू और कंट्रास्ट इंटेंस वगैरह और तमाम जो आपको फंक्शन देखने को वगैरह मिल जाते हैं। HDMI वगैरह जो है सपोर्ट करता है। और अगर इस साइड पे अगर आएँ तो इस साइड पे आपको जो है यहाँ पर सैमसंग का लोगो और कुछ जो है वार्निंग्स वगैरह दी जाती हैं। फुल HD TV सीरीज 5 जो है 40 इंच LED। और बैक साइड पर अगर बात करें तो बैक साइड पे आपको सैमसंग का लोगो, फुल HD TV 40 इंच 5 सीरीज से है, मॉडल लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और मैं करीब लाऊंगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो कि ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल होती हैं, ये वो चीज़ है। मैं यहाँ पर जो इसको करीब ला के आपको जो है बकाया बॉक्स का जो है मायने कराता हूँ, आपको पता लग जाएगा ये ओरिजिनल है के लिए। ये रहा वो स्टिकर, इस पर अंदर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है टीवी, और आपको जो कुछ अरबी में भी देखने को मिल जाता है और इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है और तमाम जो है चीज़ें। प्लीज़ हेयर टैग यहाँ पर जो है कहते हैं लगाएं। और यहाँ पर जो है आपको कुछ और मॉडल वगैरह देखने को मिल जाता है, कुछ खास इतना नहीं पता इस बारे में। और अगर इस साइड पर बात करें तो आपको जो है इस साइड पर सैमसंग टॉप पे और यहाँ पर जो कुछ वार्निंग्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जो इसका मॉडल कोड टाइप नंबर बारकोड स्कैनर देखने को मिल जाता है उसके नीचे जो है तमाम। और आपको बताता चलो जो ओरिजिनल होती है वो मेड इन इजिप्ट होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो मेड बाय सैमसंग इन इजिप्ट, ये 100% आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ओरिजिनल है। नीचे आपको फोर्ड HD सीरीज 5 और जो है 40 इंच का जो है मिल जाता है। टॉप पे आपको जो है कुछ खास नहीं देखने को मिल जाता, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने इसको खोलना किस तरह है और किस तरह पकड़ना है, या वार्निंग्स वगैरह देख सकते हैं, गाइड वगैरह आपको दिया जाता है। अब हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। सॉरी, चलिए अब इसकी जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने नाइफ निकाल लिया और मेरा ये सेकेंड टाइम जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। पहले मैंने TCL की थी और अब जो है मैं ओरिजिनल जो है इसकी कर रहा हूँ सैमसंग की। यहाँ पर आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपको मॉडल देखने को मिल जाता है। इसके अंदर से आपको जो है क्या क्या चीज़ मिलती है आई हैव नो आइडिया कि इसके अंदर क्या है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको ये नीचे जो इसके स्टैंड लगते हैं, मतलब कि जो जिसको ये मतलब कि नीचे रखना हो तो नीचे लगाने के लिए मैं बोल ये निकल चुका है, वो मिल जाते हैं दोनों इसके नीचे लगने को। ये खड़ी हो जाएगी अपने पावों पे जो हम इसको लटा लेते हैं, फिर जो इसकी बकाया अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रही हमारी प्यारी सी सैमसंग की ओरिजिनल LED स्मार्ट LED। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमें और क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर हमें एक इसका एक जो है हमें अडॉप्टर, या आप देख सकते हैं हमें जो है एक अडॉप्टर देखने को मिल जाता है, काफ़ी मतलब के बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। एक हमें जो है रिमोट देखने को मिल जाता है, आप चेक कर सकते हैं। और एक अदद जो है हमें वारंटी कार्ड, 1 ईयर वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, वारंटी कार्ड मिल जाता है, गाइड मैनुअल मिल जाता है। और ये चीज़ें जो है आपको इसके अंदर पैकिंग इसकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग, ये वायर की अलग से पैकिंग है, रिमोट की अलग से पैकिंग है और वारंटी कार्ड की अलग से पैकिंग है। LED की तरफ आते हैं, LED को हम जरा सीधा कर लें, या ये बगैर उसके भी जो है खड़ी हो जाएगी
मैं नहीं लगाऊंगा अभी जो है इसमें चला जाना है, तो इसमें जैसे लहजा मैं इसके साथ कोई चीज़ अटैच नहीं करूँगा। बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड की, तो मैंने इसके अंदर मैंने पाँव नहीं लगाए, इसके जो हैंडल रहते हैं मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये आपको जो है इसके साथ कनेक्टर जो आपको दिया जाता है वो यहाँ पर जो है अटैच हो जाएगा, प्लग इन हो जाएगा, यहाँ से जो है प्लग इन होकर फिर LED ऑन हो जाएगी। आपको एक और जो है स्टिकर टाइप देखने को मिल जाता है सैमसंग, और ये जुबान कोई और अरबी लिखी हुई है, ये स्टिकर देखने को मिल जाता है। पीछे वाली साइड पर आपको जो है नेट का जो है तार के कनेक्शन मिल जाता है, डिजिटल ऑडियो आउट ऑप्टिकल कनेक्शन मिल जाता है, बकाया DVDs वगैरह के जो है मिल जाती है। एक स्टिकर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर इसका जो है सबसे टॉप पे सैमसंग लिखा हुआ है, मॉडल नंबर टाइप देखने को मिल जाती है, वोल्टेज वगैरह की मेड बाय सैमसंग इन इजिप्ट, बार कोड स्कैनर देखने को मिल जाता है, कोड मिल जाता है, बकाया आप चीज़ें देख सकते हैं, वार्निंग वगैरह भी आपको जो है कुछ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको करीब से ये भी आपको जो है कुछ पढ़ाई का देखने को मिल जाता है, पढ़ सकते हैं आप इसको। बकाया पोर्ट्स की बात करते हैं, इसके साथ आपको जो एक HDMI की पोर्ट मिल जाती है, USB की पोर्ट मिल जाती है, HDMI 2 मिल जाती है, जो केबल पोर्ट होती है वो भी मिल जाती है। और इसकी आप जो है थिकनेस देख सकते हैं कितनी थिकनेस है, और ये आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट वाले साइड पे, तो यहाँ पर आपको जो सबसे नीचे जो है लोगो मिल जाता है सैमसंग का, और ये वो लोगो नहीं है जो कि चाइनीज़ कंपनी के ऊपर जो है लोगो आता है बस क्रोम सा, तो वो कभी कभार उतर जाता है, ये ओरिजिनल का लोगो है, ये कभी भी उतरेगा नहीं। और एजेस आप देख सकते हैं इसकी कितने एजेस हैं, और अच्छी क्वालिटी भी लग रही है, और बेस्ट क्वालिटी भी मुझे लग रही है, सैमसंग है ओरिजिनल है तो फिर क्वालिटी में तो फ़र्क होगा। मेरी तो ये वॉइस थी, मैं इसे चला के चेक करूँ, लेकिन मैं इसे चला के नहीं देखूँगा, ये दोबारा रीटेक ले रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जो है इसको मतलब कि अनबॉक्स किया था ओनली, मैं इसको रिव्यू नहीं देने लगा था, लेकिन अब जो है मैं इसका रिव्यू भी दूंगा, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी दफ़ा कहा था कि मैं इसका रिव्यू दूंगा, लेकिन जो है मैं इसको ऑन करके भी दूंगा, क्योंकि वारंटी कार्ड तो स्कैन करना पड़ेगा, लिहाजा हम इसको जो है चीप और कर दिया हमने, और साइड पे कर देते हैं, बताते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। इसके अंदर से एक अदर जो है ये वारंटी कार्ड मिल जाता है, शायद आपको लग रहा हो, कुछ गाइड मैनुअल वगैरह देखो, पेपर वर्क की आपको देखने को मिल जाता है, गाइड मैनुअल वारंटी कार्ड मिक्स चीज़ें आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसको हम साइड पर कर देते हैं, पेपर वर्क को, ये जो है इसका रिमोट कंट्रोल है, इसको भी इंसाइड पे कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल है। इसके साथ जो है आपको कुछ कनेक्टर वगैरह मिल जाते हैं, एक पेयर आपको जो है इसके साथ सेलों का मिल जाता है, आप देख सकते हैं सेलों का पेयर एक मिल जाती है। ये जो है हम इसकी सील सैमसंग की आप करीब लाते हैं। ये रही इसकी पैकिंग वेरी, तो इसके हिंजांस के ऊपर भी जो है तारों के ऊपर भी सैमसंग लिखा हुआ है। हम जो है इसको कनेक्ट करेंगे, जो कि आपको पीछे हमने दिखाया था कि उसके साथ कनेक्ट हुई, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और हम जो है इसको ऑन करके भी दिखा देते हैं आपको कि ये कैसे होती है। हमारी LCD जो है ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, आउट क्लास डिस्प्ले, रियली ऑसम। ओके, मैं इसका जो है रिमोट कंट्रोल जो है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्यों, क्योंकि सैमसंग की ओरिजिनल LED का रिव्यू, और अब आगे कर लेते हैं। ओह माय गॉड, हमारा जो TV है बिल्कुल सेटअप हो चुका है, लगता है यार मच बेटर देन एल्स। मैंने TCL का भी रिव्यू दिया, तो TCL को भी ये बाय बाय कर दिया, मैंने TCL को भी ऑन द AC, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे जो है ना पसीना आना शुरू हो चुका है, वेरी 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 एक्साइटेड, टाइम टू स्पीड जो है। अब जो है इसमें आपको 4K वीडियो चला के दिखा देते हैं, रिलैक्स रिलैक्स, क्वालिटी बेहतर होने दे, वाइप आउट। ओह माय गॉड,
इट्स रियली ऑसम। मैं यहाँ से स्क्रीन से हट रहा हूँ, आपको जो ये चेक कराते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और आपको पता लगेगा। इट्स रियली ऑसम क्वालिटी, ओह माय गॉड। इट्स सो ब्यूटीफुल। अब जो है हमने आपको जो है पिक्चर क्वालिटी चेक करा दी है, अब हम जो है इसकी आपको स्पीकर्स चेक कराते हैं। स्पीकर्स जो है इसके अंदर आपको जो है क्या क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी अगर आपको लगे कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है पर्सनली इसका जो प्रिंट है ना बहुत अच्छा लगा है। अगर तो आप ओरिजिनल लेना चाहते हैं तो सैमसंग, सोनी, अभी मैंने सोनी का रिव्यू नहीं दिया, लेकिन ये जो है बहुत बेहतर जो है, मुझे सोनी का आई थिंक सो दे चुका हूँ। ये तो मुझे मतलब कि प्यार हो गया मुझे इससे। आतिफ असलम, मैं भी आपको जो इसकी वॉइस क्वालिटी, आतिफ असलम नहीं, आई होप कि मुझे स्ट्राइक नहीं पड़ेगी, तो लिहाजा मैं जो है एक छोटा सा ही क्लिप लगाऊंगा कि आपको इसकी जो है वॉइस का पता लग जाए। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, कातिबे तकदीर। इट्स 100% एंड क्लियरिटी कितनी है आपके सामने लिख दे। ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ सैमसंग 14 स्मार्ट एलईडी, और मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। इसके अंदर कोई फॉल्ट निकाला चाहिए तो कोई फॉल्ट नहीं, अगर खूबियाँ बयान की जाए काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर सैमसंग कंपनी, ये स्पॉन्सर किया हमने हमेशा से जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं। और आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, प्राइस है इसकी 53,000 ओनली। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो इनका नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिंदा।